अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, मैं चौरी मोहम्मद अफजल नेक्स्ट स्टेट सर्विसेज से मुखातिब हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम सेक्टर जे का विज़िट करेंगे और स्पेशली 10 मरला को देखेंगे। ऑन ग्राउंड क्या डेवलपमेंट है और कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, और साथ ही जो सेक्टर जे के कमर्शियल आए थे अभी रिसेंटली उनको देखते हैं। तो कमर्शियल को पहले देखेंगे, और उससे पहले मैं सेक्टर एच के जो कमर्शियल हैं वो लाइन आपको दिखाता हूँ, और इसी लाइन की कंटिन्यूटी है आगे, तो हमारे साथ रहिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सेक्टर एच के कमर्शियल है, जो सेक्टर एल साइड है उसके बिल्कुल बैक साइड पे बनते हैं, और ये सामने कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं हो रही है, और प्लाजे बन रहे हैं यहाँ पे। तो आगे सेक्टर जे बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा। तो सेक्टर एच जहाँ ख़त्म होता है उसके आगे फिर सेक्टर जे के कमर्शियल स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ भी लोकेशन का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। और यहाँ से आगे सेक्टर के नज़र आएगा आपको। तो जे व्यूअर्स, ये सेक्टर एच यहाँ ख़त्म हो जाता है और ये हेड ऑफिस की तरफ रोड निकलता है राइट साइड में, और मैं सर्विस लाइन पे आया हूँ। सर्विस रोड है जो सेक्टर एच कमर्शियल का, और आप सीधा ही आएँगे मेन एवेन्यू के ऊपर, और फिर आगे साइड ऑफिस का बोर्ड लगा होता है तो वहाँ से आप राइट टर्न लेते हैं। तो ये बेसिकली कमर्शियल है सारा, ये लाइन आपको नज़र आ रही है, और यहाँ से आगे फिर सेक्टर के का एरिया भी आपको नज़र आ रहा है जो डेवलपमेंट हो रही है, और मेरे राइट साइड पर सेक्टर जे है। ये सेक्टर के का एरिया और जे का एरिया जो अक्सर वीडियो आप देख चुके हैं, तो अभी जस्ट आपको सेक्टर जे का एरिया दिखाना है। ये सामने 10 मरला है सारा, और ये कमर्शियल की लाइन मैंने आपको दिखाई है। 40x45 डायमेंशन है कमर्शियल की, 8 मरला साइज़ है, और ये आगे सीधा कमर्शियल है ये सारी लाइन, और ये मेरे लेफ्ट साइड पे ऊपर हाइट के ऊपर सेक्टर L1 कनाल है। और अगर कमर्शियल की प्राइस की बात करें तो 3.5 करोड़ से 4 करोड़ का यहाँ पे रेट है फ़िलहाल। अभी रिसेंटली डील्स आई थी, ये कोई 1.5-2 महीने पहले, तो लोगों ने परचेजिंग की है यहाँ पे। तो बहरहाल आप भी देख कर सोच समझ कर यहाँ चीज़ ले सकते हैं। बहरहाल ये एक लास्ट कमर्शियल आप कह सकते हैं, सेक्टर ए, सेक्टर C1, सेक्टर फिर F, फिर सेक्टर G, फिर सेक्टर H, उसके बाद फिर ये एरिया सारा आता है। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये आगे सारी H साइड जो है उसकी कंटिन्यूटी है, और आगे ये H वाले कमर्शियल बन रहे हैं। तो चलते हैं 10 मरला प्लाट्स की तरफ और हाउसेज की तरफ, स्टे विद अस। ये मेन एवेन्यू है जो सीधा हेड ऑफिस की तरफ जाता है। ऑलरेडी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, तो जस्ट एक फ्रेश लुक लेते हैं सेक्टर जे 10 मरला की। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है जिसमें रोड 1A है, 1B है, 1C है, इसको पहले देख लेते हैं। और ये हाइट की तरफ आता है जैसे ही आप इंटर होते हैं, हेड ऑफिस की तरफ टर्न लेते हैं, तो ये पहला पोर्शन हाइट की तरफ नज़र आता है आपको। और प्लाट्स की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे काफ़ी है, तो रेट्स मार्केट के साथ साथ ऊपर आए हैं। ये सामने कमर्शियल की लाइन आ गई है सारी, और ये मेरे राइट साइड पे सारे रेजिडेंशियल हैं, इसमें स्ट्रीट 1D आ गई है जो पार्क फेस है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है यहाँ पे, घर लोग बनाए जा रहे हैं। ये सामने छोटा सा पार्क है, और स्ट्रीट 1E है सामने। अच्छी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, खूबसूरत घर बनाए हैं लोगों ने, और फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं।
ये सारा सेक्टर जे है, 10 मरला, सामने मस्जिद का एरिया है। और यहाँ से आगे फिर हम जो नीचे वाला पोर्शन है उस साइड पर चलते हैं, जिसमें रोड 1 है और स्ट्रीट 125 एरिया है। तो पीसफुल लोकेशन है और फुली डेवलप सेक्टर है। तो यहाँ से हम रोड 1A के ऊपर जाते हैं और वहाँ से आउट कर जाएंगे। तो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है यहाँ पे, और कम ही सेल में चीज़ें आती हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स कॉमन है यहाँ पे। कैटेगरी के प्लॉट यहाँ पे कम ही मिलेंगे आपको, ज़्यादातर लोगों ने अपने लिए होल्ड किए हुए हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, सामने आप देख सकते हैं बड़े क्लियर व्यू मिलते हैं आपको। सामने सेक्टर आ जाता है राइट साइड पर, और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न करेंगे तो स्ट्रीट 126 एरिया है, और सबसे पहले ये रोड 1 है। तो इसकी भी एक लुक मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से। ये सामने रोड 1 है सर। तो आगे स्ट्रीट्स को थोड़ा देख लेते हैं, तो एक ओवरऑल आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा सेक्टर जे की डेवलपमेंट के हवाले से। ये मेन एवेन्यू है जो हेड ऑफिस की तरफ जाता है, और सामने ही हेड ऑफिस, ये बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं कमर्शियल, इसके आगे हेड ऑफिस की बिल्डिंग है, और ये बेसिकली सिविक सेंटर है। और यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न करेंगे तो स्ट्रीट्स के अंदर आप चले जाएंगे। तो हम स्ट्रीट 3 से एंटर हो जाते हैं, इससे पहले स्ट्रीट 1 है। इस तरह से आगे 4 फिर 5, तो जस्ट एक रैंडमली आपको एक विज़िट है जो कि करवा रहा हूँ। तो काफ़ी घर स्टार्ट हैं यहाँ पे और काफ़ी फिनिश हो चुके हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं 50% डेवलप है सेक्टर, और फैसिलिटीज़ वही हैं जो बाकी सेक्टर्स में हैं। आजकल थोड़ा सा लोड शेडिंग का मसला बना हुआ है, तो बहरी एनक्लेव भी इस चीज़ को फेस कर रहा है। तो आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओवरऑल मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि जहाँ 12-12 घंटे 16-16 घंटे लोड शेडिंग है, तो बहरी इनक्लेव में भी लोगों को 2-3 घंटे कम से कम जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये सामने 8 मरला का एरिया है, इसको हम दूसरी साइड से देखेंगे। तो फिलहाल ये 10 मरला स्ट्रीट 5 है, तो यहाँ से हम आउट होते हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं सेक्टर जे 8 मरला की तरफ, उसका भी एक मैं राउंड आपको लगवा देता हूँ। वहाँ भी सेमी डेवलप एरिया है कुछ, और वहाँ पे भी कुछ काम अभी हो रहा है, और वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है 8 मरले में। अगर कोई रीज़नेबल चीज़ मिल जाए तो ज़रूर ले लें। और अगर सेक्टर जे 10 मरला की बात करें तो यहाँ पे जो रेट्स हैं वो 1,50,000 प्लस माइनस के रेट्स हैं, डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन पे। तो यहाँ से आप आउट हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनका बैकअप जनरेटर है, ये सामने नज़र आ रहे हैं आपको, अभी ऑन है ये और बैकअप दे रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोड शेडिंग इतनी हो रही है बाहर के, बहरिया फुल बैकअप नहीं दे सकता, इवन के चार्जेस उसमें ऐड करते हैं ये बिल्स में, लेकिन अभी प्राइस इतनी ऊपर चली गई हैं कि आई डोंट नो कि बहरिया उसमें अफोर्ड करता है कि नहीं करता। तो बहरहाल कुछ ना कुछ बैकअप बहरिया दे रहा, और कुछ लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है। और ये एवेन्यू आगे सेक्टर के की तरफ जाता है, और फ्यूचर में यही आगे टच कर जाएगा एम सेक्टर को, और के से आप लेफ़्ट टर्न करेंगे तो आप आउट कर जाते हैं मेन गेट की तरफ सेक्टर एल के साथ साथ, आगे एच फिर जी फिर एफ। तो थोड़ा सा राउंड में आपको सेक्टर जे 8 मरले का भी लिखवा देता हूँ। तो 8 मरले में भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये रोड 3 है जहाँ से आप इंटर होते हैं,
और लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट 7 है, इसमें 4-5 घर बन गए हैं। और आगे स्ट्रीट नंबर 8, यहाँ से मैं आपको एक लुक दे देता हूँ, ये सारी स्ट्रीट नंबर 7 है। और ये लास्ट सेक्टर है बहरिया इनक्लेव का, आगे लैंड्स बहरिया ले रहा है और कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कुछ अभी लेट है। ये सीधे आगे आपको रोड नज़र आ रही है, उसके आगे लिटिगेशन है। मेरे राइट साइड पे सेक्टरेट नंबर 11 है, अगर मैं आपको शो कर सकूं, ये 11 नंबर सेक्टरेट है और इसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। इसमें भी आगे भी घर बन रहे हैं और ये भी स्टार्ट है। सो ओवरऑल अच्छी लोकेशन है, इवन के लास्ट सेक्टर है और रहने के लिए तो सेम पीसफुल, और जो फैसिलिटीज़ बाकी जगहों पे मिलेंगी यहाँ पे वही मिलेगी। और स्ट्रीट 11 के आगे फिर ये थोड़ी सी जगह ये इनके पास है, और ये स्ट्रीट 8 है बेसिकली, ये सेक्टर जे है। इसमें भी 2-3-4 घर स्टार्ट हैं। और आगे स्ट्रीट नंबर 9 और 10 है, और फिर 10 ABC का एरिया जो सेमी डेवलप है और बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। और मेरे राइट साइड पे 11 सीरीज़ है, 11 ABCDEF मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सामने एरिया नज़र आ रहा है आपको सारा। ये अभी लिटिगेशन मतलब कि अभी क्लियर नहीं है, लिटिगेशन नहीं कह सकते इसको, बहरिया ने बाई नहीं किया लैंड के, कुछ अभी बातचीत ऑनर्स के साथ चल रही होती है, जब टर्म एंड कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो फिर साफ ज़ाहिर है बहरिया इसको बाई करेगा। तो ये सारा 11 ABCDEF ये सामने एरिया आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम जो 10 ABC वाली लाइन है वो देख लेते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। लेफ्ट टर्न करेंगे, 9 और 10 स्ट्रीट है ये, और यहाँ से आइडिया लेते हैं जो सेमी डेवलप एरिया है उसकी क्या सिचुएशन है। नाइन टेन स्ट्रीट के अंदर भी 3 घर बन गए हैं, और यहाँ से मैं आपको शो करता हूँ 10 ABCD का एरिया, ये सामने के है और एवेन्यू के ऊपर मशीनरी खड़ी आपको नज़र आ रही होगी, एवेन्यू 8 है बेसिकली वो, जहाँ पे ओपन फार्म भी आए हैं। और ये सामने 10 ABCD का एरिया है, जिसको आप कह सकते हैं कि डिटेल विज़िट आपको मैं करवा रहा हूँ। और जो स्ट्रीट्स के अंदर इन्होंने कुछ बजरी वगैरह डाली है और शक्ल बनाई है स्ट्रीट की, दो स्ट्रीट तो मुझे नज़र आ रही हैं जिस पे बजरी वगैरह डाली है, और जो 10 बी है उस पे सीवरेज डाली हुई है, और इस तरह से आगे भी ये कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो ये एरिया है 10 ABC वाला, सेमी डेवलप एरिया बेसिकली है आप देख सकते हैं। और आगे ये मशीनरी आपको भी नज़र आएगी सेक्टर के ये वाली, ये एवेन्यू 8 है जो आगे सीधा लेके जा रहे हैं। तो सेक्टर के की वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं और मज़ीद भी ये हम अपडेट करेंगे आपको। तो फ़िलहाल सेक्टर जे 8 मरले का ये एरिया सामने 10 ABCD, और यहाँ पे अगर कोई रीज़नेबल चीज़ मिल जाए आपको 85-90 तक तो ज़रूर उठा लें, डिमांड तो करोड़ प्लस चल रही है यहाँ पे। और इसके आगे फिर 11 ABCD सीरीज़ जो नॉन डेवलप है और लैंड भी बहरे के पास नहीं है, तो यहाँ से हम मूव करते हैं आउट निकलते हैं यहाँ से सेक्टर जे से। और ये ओवरऑल आइडिया है सेक्टर जे 8 मरले की लोकेशन का। अगर 11 सीरीज़ की बात करें प्राइस की, तो यहाँ पे नॉन डेवलप प्लॉट आपको मिलना चाहिए कोई 70 प्लस माइनस में, जो सामने हाई राइज अपार्टमेंट्स और ये सारा सेक्टर जे 8 मरला। तो ये मैंने आपको 8 मरले का एरिया भी दिखा दिया, 10 मरला भी दिखा दिया, और जो नॉन डेवलप सेमी डेवलप वो एरिया भी दिखा दिया, और जो डेवलप एरिया है इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20
इसी के आसपास प्राइसेस चल रही हैं। और सामने ये सारा 10 मरले का एरिया है और ये आगे ये रोड ब्लॉक किया हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में ओपन हो जाए। तो ये आसान है दोनों सेक्टर्स का आपस में, दोनों एरिया का आपस में कनेक्ट होना। सीधा आप 10 मरला में जा सकते हैं और सीधा ही आप रोड 3 फॉलो करेंगे तो आप जा सकते हैं 8 मरला की तरफ। और वैसे भी कोई इतना डिस्टेंस नहीं है, तो ये एवेन्यू के की तरफ जाता है। तो साथ साथ मैं आपको जो एवेन्यू 8 है वो भी दिखाई देता हूँ। तो वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये कि जिसका इंटरेस्ट होगा वो ज़रूर इसको देख लेगा। और ये एक राउंड अबाउट है, देख सकते हैं सेक्टर K और सेक्टर J की तरफ जब आप आते हैं मेन सेक्टर L के साथ साथ, तो ये राउंड अबाउट आपको मिलता है। तो यहाँ से मैं आपको एक लुक देता हूँ। ये सेक्टर K है बेसिकली सामने, और ये वही बिल्डिंग बनेगी, अपार्टमेंट अपना होटल की इमारत बनेगी यहाँ पे, जो पीछे इसकी लैंड है और पानी है उसमें, अभी बारिश हुई है तो उस वजह से अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। ये सामने आप देख सकते हैं एवेन्यू 8 है जिस पे काम हो रहा है, ये K8 मरला है और ये सारा J सेक्टर जो अभी हमने देखा है। तो होपफुली आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा लोकेशन का। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों को वीडियोस देखते हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ चीज़ पूछनी हो तो SMS करें, कॉल करें, तो इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और अपडेट करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।